हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। और एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करेंगे मोहम्मद शमी को लगे हसीन झटके की। जी हां, हसीन जहां मोहम्मद शमी की वाइफ हैं लेकिन वो उनसे दूर रहती हैं, और मोहम्मद शमी को एक अवार्ड मिलने वाला था लेकिन अब उनकी वाइफ की वजह से उनको अवार्ड नहीं मिलेगा। क्या है पूरा माजरा, आइए आपको बताते हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले दो सालों में टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। वो वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए हैं। यही नहीं, जब भी उन्हें T20 में मौका मिलता है तो वो वहां भी अपनी छाप छोड़ने से पीछे नहीं हटते। पिछले दिनों जब टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घायल होने के चलते टीम से बाहर हो गए थे, तब लग रहा था कि टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी कुछ कमजोर पड़ जाएगी और मुख्य तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। लेकिन मोहम्मद शमी ने जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी और शानदार प्रदर्शन जारी रखा। लेकिन लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी उनकी मेहनत पर पानी फिरने वाला है, ऐसा लगता है। पता चल रहा है कि मोहम्मद शमी का नाम शायद इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए नहीं भेजा जाएगा, हालांकि पहले उम्मीद की जा रही थी। खेलों की दुनिया में अर्जुन अवार्ड का अपना एक अलग मुकाम है। हर खेल में जो बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और आइए आपको बताते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिल सकता है। अभी तक जो जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक BCCI देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए इस साल टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम भेज सकती है। जसप्रीत बुमराह बीते साल अर्जुन पुरस्कार के लिए वरिष्ठता के आधार पर टीम के साथी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा से पीछे रह गए थे। अब जसप्रीत बुमराह अपने खेल में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने खेल के ही दम पर वो इस बार अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। विश्व कप 2019 में बुमराह ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। इससे पहले भी इंटरनेशनल मैच हो या फिर IPL, सभी में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। BCCI सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन का नाम इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें मोहम्मद शमी का नाम शामिल नहीं होगा। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नहीं भेजा गया जबकि उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया था। तो इसकी हिंट तो हम आपको पहले ही दे चुके थे, लेकिन चलिए डिटेल्स में भी बता देते हैं। मोहम्मद शमी का नाम नहीं भेजे जाने की वजह उनकी पत्नी हसीन जहां को बताया जा रहा है। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने पति शमी पर कथित घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। ये वो कारण है जिससे मोहम्मद शमी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित होने के योग्य नहीं है। साल 2018 में मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर मैच फिक्सिंग, दूसरी लड़कियों से अवैध संबंध और यहां तक कि बलात्कार तक के गंभीर आरोप लगा दिए थे। जांच की गई तो ये आरोप साबित नहीं हो पाए। मोहम्मद शमी अभी टीम इंडिया के लिए खेल तो रहे हैं लेकिन इस बड़े पुरस्कार की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी और हसीन जहां जहां अलग अलग रहते हैं, दोनों की एक बेटी है जो हसीन जहां के साथ रहती है। जब मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच विवाद चल रहा था तब मोहम्मद शमी अपनी बेटी को लेकर इमोशनल भी हो गए थे और अक्सर मोहम्मद शमी सोशल मीडिया पर बेटी के साथ फोटो शेयर भी करते थे। तो चलिए, इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी का नाम भेजना चाहिए था, क्या उनको अर्जुन अवार्ड मिल सकता है, इसके बारे में जो भी आपकी सोच है उसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे जरूर बताइए और साथ ही साथ शेयर भी करिए। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।